हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वल लेक्चरर। अगर आप क्लास 10th में हैं और हिंदी का पेपर देने वाले हो और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप समझ लो हिंदी के टॉपर बन गए, क्योंकि ये है हिंदी का एक वायरल पेपर जैसा 2024 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का पेपर आने वाला है। सेम ऐसा ही आप लोगों का पेपर आएगा। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखना। पेपर देकर आओगे तो कहोगे सर यहीं से सारा क्वेश्चन आया और 95% आप करके आओगे, ठीक है। क्लास 10 हिंदी का आप लोग पेपर देने वाले हो, आप लोगों का फरवरी में पेपर है, ठीक है। हिंदी का पेपर यानी कि आपका पेपर जो है फरवरी से है। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है और 3 घंटे आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। हिंदी में कुल आपके 10 प्रश्न है, मतलब 10 प्रश्न आपके कुल है और ये आपको 70 नंबर देकर जाएगा। और ये पेपर मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा और आप 70 में 65 लाओगे, ये मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वायरल पेपर है। और अगर आप पेपर के दिन आधी रात को भी देख लेते हो तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है पेपर में टॉपर बनने का। हिंदी के टॉपर समझो आप बन गए, क्योंकि ये पेपर आप सॉल्व करा दूंगा पूरा, ठीक है। अब देखो आपको ये क्या आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हिंदी में क्या आएगा, बस ये वीडियो देखो सब कुछ समझ लो आ गया। कैसे तैयार करें तो अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे तैयार करना है, पूरा तैयार करा दूंगा, ठीक है। कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, हम कैसे लिखें कॉपी को, कैसे प्रेजेंट करें, ये सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं लाइक करना। और आज आप लोग हमसे रिक्वेस्ट करो कि आप अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे इस वीडियो को, बस 2 फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कर देना ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो लाएं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ये है भैया क्लास 10 हिंदी का एक वायरल पेपर, 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है एंड खंड आ और बा में, ये दूसरा वाला है तो प्रश्न पत्र खंड आ और बा में विभाजित है। तीसरा आपका है प्रश्न पत्र खंड आ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है एंड जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करके वो एमआर शीट में नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से आपको उसको पूर्ण तरह से गोले के रूप में काला करना है। चौथा हमारा है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, ठीक है। एंड आपको ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। एंड छठवां हमारा प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं, ठीक है। अब ये आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। समझो 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो गया, पेपर में आप करके आओगे, यही आएगा, ध्यान रखना। बस आप लोग ध्यान से देखो और सारे का आंसर भी बताऊंगा, बस आप लोग नोट बना लेना और आप लोग देख लेना पेपर के बाद, कहोगे सर यहीं से सारा क्वेश्चन आया है। तो चलो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, देखो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, बाबू गुलाब राय जो हैं वो किस युग के लेखक हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अगर आप पेपर आपका होने वाला है बहुत ही जल्द, आपका बस 2 ही महीना पेपर बचा हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से तैयार कर लो, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे और टॉपर बनोगे, ठीक है। बस कमी क्या है कि आप लोग पढ़ाई में टाइम नहीं दे रहे हो, बस केवल टहल रहे हो, घूम रहे हो। बस देखो मैं आपको जो जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं आपको ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का वायरल पेपर देने वाला हूं, हर एक सब्जेक्ट का मैराथन वीडियो, एक एक दो दो घंटे की वीडियो आने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और हम आप लोगों को सारा कुछ पढ़ाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारतेंद्र युग, वी है द्विवेदी युग, सी है शुक्ल युग एंड शुक्लांतर युग। तो भैया बाबू गुलाब राय जी हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं, किस युग के, शुक्ल युग के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, चिंतामणि किस विधा की रचना है। एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, देख लो भाई, ठीक है। तो चिंतामणि जो हमारा है वो किस विधा की रचना है, निबंध कविता नाटक कहानी, तो वो हमारा निबंध विधा की रचना है। किस विधा की, निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 है गबन किसकी रचना है, गबन किसकी रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है मुंशी प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है निराला एंड डी है हरिकृष्ण प्रेमी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर सारे ऑप्शन को मत पढ़ो, जो सही है उसको ही केवल पढ़ो, ठीक है। तो ऐसा ना करो, ठीक है। जब आप सारे ऑप्शंस को पढ़ते हो तो आपके माइंड में एक साइकोलॉजी बनती है कि भाई ये सही है, वरना अगर एक ही ऑप्शन तो बोर्ड एग्जाम में रहेगा नहीं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो जो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है शुक्ल युग की समयावधि है, शुक्ल युग की जो समयावधि कब से कब तक है,
36 से 43 तक या 1919 से 1938 तक या 1900 से 1918 या उपर्युक्त में से कोई नहीं तो 1900 से 1938 तक है। जल्दी से तैयार कर लो ये पेपर, बस बोर्ड एग्जाम में जाओ, छाप कर चले आओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है जीवनी, एंड वी है आत्मकथा, सी है साक्षात्कार या भेंट वार्ता, एंड डी है हमारा रेखा चित्र। तो नीड का निर्माण फिर जो है वो किस युग की रचना है या फिर किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? वो है हमारा आत्मकथा विधा। किसकी? आत्मकथा विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से सारा क्वेश्चन तैयार कर लो, समय बहुत कम है और जितना आप लोग समय की वैल्यू करोगे उतना आप आगे जाओगे। द्विवेदी युग, वी है भारतेंद्र युग, सी है प्रगतवादी युग, एंड डी है छायावादी युग। तो भैया ये जो है प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है, द्विवेदी युग की। अगला है मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है स्टूडेंट? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिबोध की, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रानंदन पंत की? तो मधुशाला जो है वो भैया हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती हमारा सिया शरण गुप्त की या मैथिली शरण गुप्त की या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो ये हमारा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, जो भारत भारती है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? जल्दी से सारा क्वेश्चन तैयार कर लो। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे। अब अगर आप तैयार कर लेते हो, ऐसे ही मैं जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनको भी बताया था, वो 98-95 करके आए हैं भाई, वो लेकर आए हैं इतना। बस अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का बहुत सारे वायरल पेपर है हमारे पास। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको देने वाला हूं। और इसका अगर आप कहोगे तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कॉपी में लिख कर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा दूंगा, ताकि हम आप लोगों के ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाएं और आप लोग खुश रहो और आप लोग बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल से नंबरों की बारिश कर दो, ठीक है। तो आधुनिक काल कब से कब तक है? 1843 से अब तक, या फिर 1643 से 1843 तक, या सन 1918 से 1936 तक, या 1936 से 1943 तक? तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है 1843 से अब तक है, 1843 से अब तक। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मतीराम किस युग के लेखक हैं, या मतीराम जो किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल या आदिकाल या भक्ति काल या रीति काल? तो ये जो है ये एक रीति काल के कवि हैं, मतीराम, बिहारी, भूषण, ये सब रीति काल के कवि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हास्य रस का स्थाई भाव क्या है? हास्य का मतलब होता है हंसना, तो भैया शोक का मतलब होता है दुख प्रकट करना, रति निर्वेदनी, हास का मतलब होता है हास्य, तो ये हास सही हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, सोहत ओढ़े पीट पटु श्याम सलोनी गात मनो नीलमण शैल पर आपत्ति प्रियो प्रभात, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो इसमें जो हमारा है माय डियर स्टूडेंट वो है, देखो इसमें मन शब्द आ गया, मन मानो जन जानो जिसमें आता है वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? एक नंबर का 3 चरण या 2 चरण या 4 चरण या हमारा 5 चरण? तो भाई रोला में सभी को पता है कि 4 चरण होते हैं, कितने? 4 चरण होते हैं, ठीक है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, आकर्षण शब्द में उपसर्ग है, आकर्षण में छोटा आ, बड़ा आ आगे है ना, छोटा नहीं बड़ा आ है, तो बड़ा आ जो हो जाएगा वो उपसर्ग होता है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? आगे, तो जो आगे जुड़ा हो, तो इसमें बड़ा आ आगे जुड़ा हुआ है तो उपसर्ग हमारा आ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रचना के आधार पर जो वाक्य हैं कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनके कितने भेद होते हैं? 2 भेद, 6 भेद, 5 भेद, 3 भेद? तो भैया रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनके 3 भेद होते हैं, कितने? 3 भेद होते हैं, ठीक है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में हमारा बहुव्रीहि समास है। देखो कहीं कहीं हो सकता है कर्मधारय भी हो, बट बहुव्रीहि सही है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन है, दोनों है, ठीक है। अगला देखो, अश्रु, आंसु का तत्सम रूप होगा, मैंने पहले ही बोल दिया अश्रु, तो आंसु का जो होगा वो अश्रु होगा, ठीक है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो कृतवाच्य में जो है वो कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी? कर्ता की प्रधानता, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है, ताभ्या में वचन एवं विभक्ति क्या है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, क्या है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम मतलब होता है ही, सी, इट, दिस, दैट, उसमें वह हो जाएगा, क्योंकि ही का मतलब वह ही होता है हिंदी में, ठीक है।
तो ये 20 ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लो। 20 ऑब्जेक्टिव तैयार करने के बाद आप लोग पेपर में बिल्कुल छाप देना, आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। हर एक क्वेश्चन इतना ज्यादा वायरल है कि आप लोगों को पूरा तैयार कर लेना चाहिए। अब हमारा लिखने वाला प्रश्न है वर्णात्मक प्रश्न, ये हमारा खंड बा है। अब देखो सबसे पहले यहां आपका गद्यांश रहेगा पर आधारित तीन प्रश्न रहेंगे, उसका उत्तर देना है। आपको मिलेंगे 6 नंबर। कितने? 6 नंबर। तो यहां देखो, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, ठीक है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं, हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह देखता था, ठीक है, मुंह ताकता था, और नीति प्रसाद अकबर मत महलाने के लिए बीरबल का मुंह ताकता था। अब इसमें क्या है? कुछ नहीं है, बहुत आसान है यार। मित्रता डायरेक्ट लिखा हुआ है भाई, चैप्टर का नाम ही लिखा हुआ है। अब अगर आपके पास बुद्धि ना हो तो भले ही ना कर पाओ। इसमें तो मैं सोचता हूं कि ये सबसे आसान है। 6 नंबर आपका गद्यांश, भैया मित्रता पाठ का नाम डालो मित्रता, और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 2 नंबर क्लियर हो गया। बस रेखांकित अंश की व्याख्या यहां से यहां तक केवल है। इसमें क्या है? डायरेक्टली कह दो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि मित्रता एक ही स्वभाव में नहीं, अलग अलग स्वभाव में भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे आप बना कर लिख दो, नहीं आता लिखो, आता है तो भी लिखो, मतलब बहुत आसान है। अगर आप कहोगे तो मैं कॉपी में लिख कर एक एक का समझा दूंगा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो ये 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो है कुछ नहीं आपका, देखो पाठ का नाम और लेखक का नाम पता चल गया, तो आप मित्र के बारे में इसमें बात की गई है, बस मित्रता के बारे में लिख दो बस, ठीक है। अथवा आप इसको करो, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं रह बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठियां न दे सके, या असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये भी बहुत आसान है यार। इसमें तो भाई डायरेक्टली मतलब पिताजी एंड ममता का बात किया गया है, तो ममता ये देखो भाई, ममता ये प्रश्न में ही ममता आ गया, तो ममता पाठ से लिया गया जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये लो भाई क्लियर है, भैया हमारा ममता पाठ से जो भी आए लिख दो, ठीक है, भर दो बस, कुछ ऐसा नहीं है। बस आप थोड़ा सा अगर आपको पता है, याद किए हो तो अच्छी बात है, लिख दो, नहीं आता तो भी लिख दो, ठीक है, छोड़ना नहीं है। जो छोड़ता है वो कुछ नहीं पाता है। बोर्ड एग्जाम में खाली पेज छोड़कर आओगे, एग्जामिनर तुम्हारा दादा थोड़ी है कि आपको नंबर दे देगा, ठीक है। कुछ लिख कर आओगे तब तो आपको नंबर देगा, है? अगर आप वैसे छोड़ दोगे कुछ नहीं मिलेगा। और आसान है, आप पाठ का नाम, अगर आपको भैया संदर्भ लिखना नहीं आता, पाठ का नाम हेडिंग डालो, लेखक का नाम, पाठ का नाम ममता, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद, आपको 2 नंबर मिल गया। रेखांकित अंश की व्याख्या यहां से यहां तक रेखांकित अंश है, आप बना बना कर लिख दो। परमपिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, अरे भैया जो जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि पिताजी उनके, जो ममता के पिताजी क्या थे, मतलब उन्होंने बहुत सारे आभूषण लाए, तो ऐसे आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, थोड़ा सा पाठ का नॉलेज हो बस, ठीक है। ममता के अनुसार किस चीज को इच्छा के विरुद्ध बताया गया, बस। देखो यहाँ आप, ये पद्यांश 6 नंबर का है। देखो चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गुरे लंघे, और देखो यहाँ अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो झुने कुंगी पुनी बोले रंग चले सिर सत्य दराई सूरदास स्वामी करणाएं बार बार बंदो दी पाई। इसमें क्या है? सूरदास जी डायरेक्टली नाम ही लिखा हुआ है, संदर्भ का सूरदास जी हो गए कवि, और पाठ का नाम पद हो गया 2 नंबर के लिए। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या है भाई, श्री कृष्ण की जो मतलब आशीर्वाद से बहिरा व्यक्ति जो है वो दोबारा सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है, दरिद्र व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर लेता है। ये बस हो गया, बहुत आसान है। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, क्योंकि चरण चाचा मतलब चरण कमल बंद, सॉरी रूपक अलंकार है, क्योंकि यहां तुलना किया गया, रूपक अलंकार, ठीक है। अथवा अब इसको करो, सुनी सुंदर वैन सुधारक साने जाने की ही जानी भली तिरछे करी नयने देह से समझाई कछ मुस्काए चली तुलसी दे अवसर से ही रोहे अवलोकत लोचन अनुराग तरांग में भानु दे बिकसी मंद मंजू गंज के लिए। इसमें भी क्या है? तुलसीदास जी डायरेक्टली लिखा हुआ है भैया, तुलसीदास जी और धनुष भंग वन पथ पर पाठ से लिया गया है, ये सब क्लियर है, कुछ है नहीं। बस थोड़ा सा अपना बुद्धि जो है, माइंड जो है, उसको फैलाओ और जो उसको पढ़ाई में लाओ। अगर बहुत इधर उधर दौड़ रहा है तो उसको पकड़ के पढ़ाई पढ़ लो, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर आप सारे को मिला लिए हो एक में तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अभी समय है 2 महीना, बस 2 महीना है, सुधर जाओ वरना सुधरने लायक नहीं रहोगे। तो अभी आपके पास समय है, बस तैयारी कर लो जितना कर सकते हो, वरना फिर बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे।
ठीक है, यहां आ जाओ, दिए गए संस्कृत आपको करना है, संदर्भ व्याख्या सब कुछ करना है। देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलीय स्थित संस्कृत, ये तो पहले ही चैप्टर वाराणसी से है, इसमें क्या है मैंने बताया, वाराणसी चैप्टर फटाफट से कंप्लीट कर लो। ये भारतीय संस्कृति से है, भारतीय संस्कृति चैप्टर भी मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। मानव जीवन संस्कृति अस्माकम पूर्वजा मानव जीवन महानता प्रत्यय आक्रमण, ये भी तैयार कर लो। मतलब मैंने बता रखा है कि वाराणसी पाठ और भारतीय संस्कृति कंप्लीट कर लो, आपका कहीं से बाहर आ ही नहीं सकता, तो नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ देखो पद्यांश भी वहीं से है, ये वाला सर्वे भवन सुखना सर्वे संग्राह सर्वे वज्रम पश्चिमा का सीधा दुर्भागा मानव हित्वा प्रिय भवति एंड भवति क्रोधम हित्वा न सोचती अमम हित्वम भवति लोभम हित्वम न दुखत, ये भी 5-5 नंबर का, 10 नंबर आपका क्लियर हो गया संस्कृत में। ठीक है, अब भैया जो खंडकाव्य है वो हर एक जिले का अलग अलग होता है, अपने भैया स्कूल टीचर हिंदी वाले टीचर से पूछ लेना सर हमारा कौन सा खंडकाव्य आता है। जैसे हम भैया हैं गोंडा जिले से, डिस्ट्रिक्ट हमारा गोंडा है, तो यहाँ कौन सा आता है ज्योति जवाहर खंडकाव्य, इसको मैंने पढ़ा भी रखा है। अगर आप कहोगे दूसरा कोई हमारे इधर आता है तो उसको मैं पढ़ा दूंगा, बस इतना मैं कर सकता हूँ, 3 नंबर आपका क्लियर करा सकता हूँ तुरंत। ये देखो जो मैं बता रहा हूँ ये पेपर ना पूरा समझ लेना, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए कमेंट कर देना, सर इसका पूरे का सोल्यूशन दो कॉपी में लिख कर, मुझे नहीं समझ में आया तो कॉपी में लिख कर मैं आपको एक एक का सोल्यूशन दूंगा। बस आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगाओ, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे ला सकें। ठीक है, 6 नंबर, दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन पर्ची लिखना है, उनकी आपकी रचनाएं भी लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भाई एक का लिखो, ये जयशंकर प्रसाद जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर लेकर जाओ। ठीक है, यहाँ कवि में से भैया आपको लिखना है 5 नंबर, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद महाकवि, सूरदास, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का लिख दो या फिर सूरदास जी का, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, मैंने पढ़ा भी रखा है। ठीक है, अब एक श्लोक लिख दो, एक श्लोक आप जो भी याद है लिख दो, 2-3 श्लोक याद कर लो, 2 नंबर अपना क्लियर कर लो। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का आपको उत्तर देना है, 2 नंबर मिल जाएगा, भारतीय संस्कृति किम मूलम अस्ति, यहाँ पूर्व राजा का आसित एंड चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखरा देशभक्त आसित, वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरण पूज्यते, ले जाओ 2 नंबर, 2 क्वेश्चन करना है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई में मन लगाओ और क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसको सॉल्व कर लो, हिंदी का पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा, ये सारा बहुत आसान है, बस आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना, घर पर बैठकर कॉपी उठाओ पेन उठाओ और जो बता रहा हूँ उसको सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको कॉपी में समझा दूंगा, कमेंट करोगे फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको क्या लिखना, निबंध 7 नंबर का, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण तथा निवारण, जनसंख्या लाभ एनहन, नारी सशक्तिकरण, ये 7 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप कोई भी निबंध इसमें से 2-3 तैयार कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ एक लेटर है, यानी कि पत्र लेखन, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख कर हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, या फिर अथवा उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे एवं शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए, 4 नंबर, तो ये पत्र लेखन है। ठीक है, तो ये पूरा हिंदी का पेपर है, अगर आपको हिंदी के पेपर में आपको 70 में 65 70 में 70 करके आना है तो ये पेपर जल्दी से सॉल्व कर लो, फरवरी का पेपर छोड़ना नहीं है। पेपर में अगर आप पेपर आज है तो आज आधी रात को देख लेते हो, कल तो वो बहुत काम आएगा ये पेपर। ठीक है, क्या आएगा, क्या तैयार करें, यह सब मैंने आपको बता दिया है, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही मैथ की, इंग्लिश की एंड साइंस की सारी की वीडियो ला सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।